नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो इत्थे जो एक वर्ड यूज होया है विदाउट रेपिटेशन, इस वर्ड नू समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वर्ड दा काफ़ी जो है इत्थे इस क्वेश्चन नू सोल्व करन दे विच जो है काफ़ी इंपोर्टेंट रोल है इस वर्ड दा विदाउट रेपिटेशन दा। देखो सानू ना उन्होंने 4 डिजिट जो है दे रखे हैं, जिवें इत्थे 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये साढ़े कोल 4 डिजिट्स है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, ये साढ़े कोल 4 डिजिट्स है। सानू इन्हां 4 डिजिट्स का यूज़ करना है विदाउट रेपिटेशन। विदाउट रेपिटेशन का मीनिंग की है भी असी इन्हां 4 डिजिट्स के विच्चों किसी भी एक डिजिट नू असी दो बारी यूज़ नहीं कर सकते। देखो सानू 4 डिजिट नंबर जो है बनाना है इन्हां 4 डिजिट्स का यूज़ करके, तो कोई भी जो डिजिट है वो असी रिपीट नहीं लिख सकते हैं। रिपीट यानी कि अगर एक बारी 6 लिख दिता गया है तो फिर असी उसनू दोबारा तो मुड़ के जो है नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मैंशन कर दिता है यूज़ द गिवन डिजिट्स विदाउट रेपिटेशन। भी असी विदाउट रेपिटेशन कर मतलब विदाउट रेपिटेशन तो भी बिना रिपीट किए किसी डिजिट नू असी 4 डिजिट ग्रेटेस्ट ते स्मॉलेस्ट नंबर जो है बनाने हैं। आई होप कि तुहानू समझ आ गया होना है भी सानू 4 डिजिट नंबर बनाने हैं स्मॉलेस्ट अते ग्रेटेस्ट, ते असी इना दे विच्चो मतलब ये यानी कि 4 डिजिट्स दे विच्चो किसी भी डिजिट नू रिपीट जो है यानी कि दोबारा तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। सानू मेंशन कर दिता गया है विदाउट रेपिटेशन, एक डिजिट नू एक बार ही यूज़ करना है, एक डिजिट नू इक्को बार ही यूज़ करना है, मुड़ के असी उस डिजिट दा यूज़ नहीं करना है 4 डिजिट नंबर बनाने वास्ते। हाँ जी, तो पहला स्मॉलेस्ट नंबर नू बनान दा मेथड की है। देखो जिवें साढ़े कोल जो है 4 डिजिट्स गिवन ने, यानी कि 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, असी अगर इन्हां 4 डिजिट्स दा कंपैरिजन करिए तो स्मॉलेस्ट जो डिजिट है 6, 4, 3, 2 दे विच्चों वो जो है 2 है, तो असी स्मॉलेस्ट नंबर बनाने वास्ते जो 2 है उसनू लेफ्ट साइड ते यानी कि इस साइड ते जो है सब तो पहला रखांगे, स्टार्ट करांगे, साडा फर्स्ट जो डिजिट है लेफ्ट साइड ते वो जो है 2 आएगा। ठीक है जी। हाँ जी, इस तो बाद हुण असी जो सेकेंड जो डिजिट है यानी कि हुण देखो साढ़े कोल 6 है, 4 है, 3 है, देखो हुण देखो 2 तो देखो एक बार यूज़ हो गया है विदाउट रेपिटेशन, सानू कंडीशन दे रखी है असी 2 का यूज़ फिर तो कर नहीं सकते। हुण साढ़े कोल 3 ही डिजिट्स है, 6 है, 4 है, 3 है, हुण असी इन्हां तिन्नां दे विच्चों बस एक डिजिट इत्थे रखना है जो कि इन्हां तिन्नां दे विच्चों स्मॉलेस्ट है। 6, 4, 3 दे विच्चों जो स्मॉलेस्ट जो डिजिट है वह है 3। हाँ जी, हुण 3 का भी यूज़ हो गया है, 3 मुड़ के यानी कि दोबारा तो जो है यूज़ नहीं हो सकता। हुण डिजिट रह गया है 6 ते 4, हुण 6 ते 4 दे विच्चों केड़ा जो डिजिट है वो जो है स्मॉलर है या फिर ये कह सकते हैं भी छोटा है। देखो 6 और 4 दे विच्चों जो है 4 है, ये जो है स्मॉलर है, 4, 6 तो जो है स्मॉलर है, तो 6 जो है इन्हां 4 दे विच्चों 4 डिजिट्स दे विच्चों ग्रेटेस्ट हैगा सी, सब तो वड्डे वाला डिजिट असी जो है आखिरी दे विच यानी कि चौथे नंबर ते फोर्थ नंबर ते जो है असी रखना है। ठीक है, तो ये असी स्मॉलेस्ट नंबर बना लिया है। इस दे विच असी करना की हुंदा है, स्मॉलेस्ट डिजिट तो असी स्टार्ट करना हुंदा है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट जो है वो लास्ट राइट साइड ते एंड दे विच लिखा जाता है। तो ये 2346 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है इन्हां 4 डिजिट्स नूं यूज़ करके विदाउट रेपिटेशन। तो इत्थे एक गल नोटिस करन वाली है भी असी जदों नंबर नू यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर नू लिखना है तो असी कोमाज नहीं लगाने हैं। कुछ बच्चे मिस्टेक कर देंदे हैं भी इत्थे जो है कोमाज लगा के आंदे हैं। देखो कोमाज वाला कंसेप्ट अग्गे आएगा, ठीक है, वो फिर असी ता सीखांगे, लेकिन हाले इत्थे कोमाज लगान दी जो है तुहानू कोई भी जो है जरूरत नहीं है। ठीक है, कोमाज वाला जो कंसेप्ट है वो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम वाले जो नंबर्स नू असी राइट करना सीखांगे ता जो है यूज़ करांगे। हाँ जी, हुण ग्रेटेस्ट नंबर वास्ते की है। देखो स्मॉलेस्ट नंबर वास्ते असी की कीता सी भी असी सब तो जो स्मॉलेस्ट डिजिट सी उस तो स्टार्ट कीता, ग्रेटेस्ट नंबर वास्ते असी इसका ओपोजिट करांगे यानी कि जो सब तो ग्रेटेस्ट डिजिट है इन्हां 4 दे विच्चों उसनू जो है सब तो पहला लेफ्ट साइड ते लिखांगे। हाँ जी, 6, 4, 3, 2 दे विच्चों केड़ा जो डिजिट है वो ग्रेटेस्ट है यानी कि सब तो वड्डा है वो है 6।
हाँ जी, सिक्स नूँ हूँ असी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि विदाउट रेपिटिशन है। साढ़े को रह गया है 4, 3, 2, इन्हों के हूँ कि वड्डा है वह है 4। हाँ जी, इस तो बाद साढ़े को 3 और 2 है, तो फिर 3 और 2 के वड्डा है वह है 3, तो फिर लास्ट है साढ़े को सब तो समालेस्ट यानी कि 2। हाँ जी, ग्रेटेस्ट साड़ा जो नंबर है वह है 6432, तो समालेस्ट नंबर है साड़ा 2346। हाँ जी, हूँ असी 9703 इन्हों 4 डिजिट्स का यूज़ करके समालेस्ट नंबर जो है लिखना है। देखो, अगर असी कंपैरिजन करिए 9703 का, तो समालेस्ट नंबर लिखण वास्ते असी इत्थे समालेस्ट डिजिट तो स्टार्ट करना है, तो साफ देखन ते पता चल रहा है भी जो समालेस्ट जो डिजिट है वह 0 है, अगर असी इन्हों चारा का कंपैरिजन करिए। पर अगर असी मैथमैटिक्स के अंदर किसी भी नंबर नू 0 तो स्टार्ट करांगे तो जो 0 है वह काउंट नहीं हुंदा है। 0 नू अगर असी एक्सट्रीम लैफ्ट साइड ते, एक्सट्रीम लैफ्ट लैफ्ट साइड का मीनिंग की है भी अगर असी लैफ्ट साइड ते बिल्कुल इस कोर्नर ते रखते हैं, बिल्कुल एंड ते रखते हैं लैफ्ट साइड ते, ठीक है, तो वह वाला 0 जो है नंबर दे विच काउंट नहीं हुंदा है। भी अगर मैं ये लिखदा भी 0 फिर 3 फिर 7 तो फिर 9, ये जो है रोंग है, ये जो है ये रोंग है, क्योंकि 0 जो है वो अगर एक्सट्रीम लैफ्ट ते, यानी कि एक्सट्रीम लैफ्ट का मतलब की है भी लैफ्ट साइड ते एंड ते, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग दे विच कह सकते हैं असी, एंड कह लो या स्टार्टिंग कह लो, भी अगर लैफ्ट साइड ते अगर 0 है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सिग्निफिकेंट का मीनिंग की है भी ये जो है काउंट नहीं होएगा। काउंट होने का मीनिंग की है भी इत्थे असी देखो 4 डिजिट नंबरस बनाने हैं, इत्थे हुण ये 0 तो काउंट होएगा नहीं, इट मीनस कि इत्थे 379 काउंट होणगे तो ये जस्ट 3 डिजिट वाला नंबर यानी कि 379 होएगा, 0 काउंट नहीं होएगा। अगर असी 0 नू अगर काउंट करवाना है तो सानू जो है 0 का जो प्लेस है वो सैकेंड करना पेगा, ठीक है। 0 फर्स्ट प्लेस से अगर आ रहा है लैफ्ट साइड से, एक्सट्रीम लैफ्ट साइड से, वह काउंट नहीं होंदा है। इस क्वेश्चन दे विच जद भी 0 आ जाता है बच्चे स्मालेस्ट नंबर लिखते हुए मिसटेक कर जाते हैं, तो उसी ये मिसटेक नहीं करनी है। 0 नू कभी कभी भी जो है एक्सट्रीम लैफ्ट साइड पर यानी कि इस साइड पर जो है तो उसी नहीं रखना है। हाँ जी, स्मालेस्ट नंबर हूँ देखो 0 तो आ नहीं सकता लैफ्ट साइड पर, इट मीनस कि असी स्टार्ट करांगे, देखो 0 आ नहीं सकता है, साढ़े को नंबर रह गए हैं 9 नंबर, यानी कि जो डिजिट्स हैं वो हैं 9, 7 और 3। अगर स्मालेस्ट नंबर लिखना है तो असी स्मालेस्ट जो डिजिट है उस तो स्टार्ट करांगे, स्मालेस्ट डिजिट केड़ा है 3 है, ठीक है, इन्हों तीनों का कंपैरिजन करना है 9, 7 और 3 का। हाँ जी, हूँ इस तो बाद असी जो है 0 नू लिख सकते हाँ। हूँ साढ़े को जो है 7 और 9 है, 7 और 9 के 7 जो है वह स्मालर है, तो इस तो बाद जो 9 है यानी कि ग्रेटेस्ट डिजिट सब तो आखिरी दे विच यानी कि एंड दे विच राइट साइड पर, तो स्मालेस्ट नंबर नू लिखन दा मैथड ए सी, ठीक है। 0 जो है असी सैकेंड प्लेस ते रख सकते हाँ, बट फर्स्ट प्लेस ते लैफ्ट साइड तो असी 0 नहीं रख सकते। हाँ जी, ग्रेटेस्ट नंबर अगर असी बनाना है इन्हां चारा डिजिट्स का यूज़ करके, देखो ग्रेटेस्ट नंबर वास्ते असी की करांगे, जो ग्रेटेस्ट डिजिट है इन्हां चारा दे विच्चों उसनू फाइंड आउट करांगे। 9703 इन्हां दे विच्चों चारा डिजिट्स दे विच्चों ग्रेटेस्ट डिजिट केड़ा है, 9 है। सैकेंड देखो 9 तो यूज़ हो गया है तो असी विदाउट रेपिटेशन कर रहे हाँ, 9 का दोबारा हूँ असी यूज़ कर नहीं सकते, साढ़े को डिजिट्स रह गए हैं 7, 0 और 3, तो हूँ इन्हों तीनों के विच्चों केड़ा डिजिट असी यूज़ कर सकते हाँ। देखो ग्रेटेस्ट केड़ा है 7, 0 और 3 के विच्चों 7 है, असी इत्थे लिखांगे 7। हाँ जी, हूँ साढ़े को डिजिट रह गए हैं 0 और 3, तो साफ नज़र आ रहा है भी जो 3 है वो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटर है 3 तो 0 तो 3 जो है इत्थे लिखा जाएगा 0, क्योंकि स्मालेस्ट सी सब तो छोटा डिजिट सी तो आखिरी दे विच इत्थे लिखा जाएगा। हाँ जी, साडा जो स्मालेस्ट नंबर है वह है 3079, तो जो ग्रेटेस्ट नंबर है वह साडा है 9730। हाँ जी,
सी पार्ट है जी 5403। सानू इन्हां फोर डिजिट्स का यूज़ करके ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर ते स्मालेस्ट फोर डिजिट नंबर जो है लिखना है। आई होप कि तुहानू समझ आ गया होना है भी जीरो अगर आंदा है तां असीं किवें जो है किसी नंबर नू जो है लिखना है। तां इस दे विच वी जीरो आ रहा है तां हुण असीं फटाफट लिख देने आ जी। ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर वास्ते देखो 5 है, 4 है, 0 है, 3 है। इन्हां चारों दे विचों जो हाईएस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट डिजिट है वह है 5। 5 तो असीं स्टार्ट करांगे लेफ्ट साइड तो। इस तो बाद 403, इन्हां तिन्हां दे विचों किहड़ा जो है ग्रेटेस्ट डिजिट है वह है 4। हुण 0 और 3 है, 0 और 3 दे विचों किहड़ा ग्रेटेस्ट या ग्रेटर जो है डिजिट है वह है 3। फिर लास्ट 0। हाँ जी, हुण असीं लिखना है स्मालेस्ट फोर डिजिट नंबर। मैं पहला भी दस दिता है 0 तो असीं स्टार्ट नहीं कर सकते, एक्सट्रीम लेफ्ट दे विच 0 नहीं आ सकता। 0 तो बाद अगला जो स्मालर या फिर स्मालेस्ट जो डिजिट है 5, 4 और 3 दे विचों वो है 3। तो असी 3 तो जो है स्टार्ट करांगे। हुण असी 0 लिख सकते हाँ। हाँ जी, हुण साढ़े कोल दो ही रह गए हैं 4 और 5, तो असी इन्हां दे विचों स्मालर देखना है। स्मालर ठीक है, यानी कि छोटा वाला जो है देखना है क्योंकि असी स्मालेस्ट फोर डिजिट नंबर जो है बना रहे हैं। तो 4 और 5 दे विचों जो है 4 स्मालर है तो 5 लास्ट यानी कि एंड दे विच। हाँ जी, इत्थे 0 नहीं है तो फिर ये इजी रहेगा। 3271 ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर वास्ते इन्हां चारों नूं देखिए तो 7 सब तो ग्रेटर है। इस तो बाद फिर 3 है, फिर 2 है, तो फिर 1 है। तो स्मालेस्ट फोर डिजिट नंबर वास्ते चारों का कंपैरिजन करिए तो 1 जो है सब तो स्मालेस्ट डिजिट है, फिर 1 तो बाद 2 है। हाँ जी, फिर इस तो बाद 3 और 7 का कंपैरिजन करिए तो 3 है स्मालेस्ट ठीक है, तो फिर लास्ट दे विच 7 है। आई होप कि तुहानू ये क्वेश्चन समझ आ गया होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मालेस्ट फोर डिजिट नंबर। इत्थे जिवें एक वर्ड से साढ़े कोल पिछले क्वेश्चन दे विच क्वेश्चन नंबर 4 दे विच विदाउट रेपिटेशन, इत्थे एक वर्ड आ रहा है ट्वाइस। इहदा वी जो है काफ़ी एक इंपोर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन दे सोल्यूशन दे विच, आंसर दे विच ठीक है। इस ट्वाइस वर्ड नूं जरा नोटिस करना। हाँ जी, मैं समझा देना भी ये ट्वाइस का मीनिंग की है। इतने जिमें उत्थे विदाउट रेपीटेशन का मीनिंग से, इतने ट्वाइस का जो है एक काफ़ी इंपोर्टेंट रोल है इस दे आंसर नू लिखन दे विच। यूजिंग एनी वन डिजिट यानी कि असी जो है किसी एक डिजिट नू ट्वाइस, ट्वाइस होंदा है भी असी दो बारी यूज कर सकते हैं ठीक है। यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस, ट्वाइस का मीनिंग है भी असी एक डिजिट नू ट्वाइस यानी कि दो बारी यूज कर सकते हैं। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मालेस्ट फोर डिजिट नंबर, असी जो है ग्रेटेस्ट ते स्मालेस्ट फोर डिजिट नंबर जो है बनाने हैं ठीक है। तो एक डिजिट का असी यूज जो है दो बारी कर सकते हैं। जिहड़ा क्वेश्चन नंबर 4 सी ते क्वेश्चन नंबर 5 डिफरेंट किवें ने, क्वेश्चन नंबर 4 दे विच एक कंडीशन मेंशन सी कि विदाउट रेपीटेशन भी असी रिपीट नहीं कर सकते किसी डिजिट नू भी। एक बारी अगर कोई डिजिट यूज़ हो गया है तो फिर वो डिजिट जो है फिर तो यूज़ नहीं हो सकता। इत्थे देखो सानू 3 ही डिजिट्स दिते गए ने, तुसी देख सकते हो सारे पार्ट्स दे विच। इत्थे जो है 237 थ्री डिजिट्स ने, इत्थे भी जो है 3 डिजिट्स ने ठीक है। देख सकते हो 230, 134, 258 ते 123। बट सानू क्या गया है 4 डिजिट नंबर बनाने वास्ते ठीक है, ग्रेटेस्ट ते स्मालेस्ट। ये ता ही हो सकता है भी अगर असी इन्हां दे विचों किसी एक डिजिट नू ट्वाइस यूज़ करिए ठीक है। असी किहड़े डिजिट नू ट्वाइस यूज़ करना है यानी कि दो बारी यूज़ करना है, वो डिपेंड करेगा भी असी स्मालेस्ट नंबर बना रहे हाँ या फिर ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे हाँ। अगर असी स्मालेस्ट नंबर नू बना रहे हाँ ठीक है या फिर बनाना है तो फिर असी की करना है। देखो स्मालेस्ट नंबर वास्ते असी लेफ्ट साइड तो केड़ा डिजिट स्टार्ट करते होंगे सी जिहड़ा स्मालेस्ट हुंदा सी ठीक है। इत्थे है 2, इत्थे है 3, इत्थे है 7। इन्हां तीनों दे विचों केड़ा स्मालेस्ट है, वह है 2। देखो जदों असी स्मालेस्ट नंबर बनाना है जिहड़ा लेफ्ट साइड ते या फिर ये कह सकते हैं भी इन तिना दे विचों सब तो जो है जड़ा स्मालेस्ट डिजिट है जिवें कि इत्थे 2 है, असी इसी डिजिट का जो है रेपीटिशन कराना है। रेपीटिशन यानी कि इसनों जो है दो बारी लिखना है यानी कि ट्वाइस लिखना है। अगर असी स्मालेस्ट नंबर बनाना है जड़ा डिजिट जो है वो स्मालेस्ट है, स्मालेस्ट मीन्स एक मिनट जरा
हाँ जी देखो इत्थे जो है असी स्मालेस्ट नंबर जो है बनाना है तो इन्हां तीनों डिजिट्स नूं अगर असी देखिए 237 नूं तां जो 2 है वह स्मालेस्ट डिजिट है 3 और 7 जो है वह छोटा है लैस है तो इत्थे असी लैफ्ट साइड ते जो है 2 लिख दिता है। हुण असी इसी डिजिट नूं जो है रिपीट करवावांगे ट्वाइस यानी कि दो वारी लिखांगे। हाँ जी हुण असी इन्हां दा जो है यूज़ कर सकते हाँ। असी एक डिजिट नूं जो है ट्वाइस लिख दिता है यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस ए असी यूज़ कर लिया है। जिहड़ा डिजिट जो है सब तो छोटा सी उसी नूं जो है असी दो वारी लिखना है जदों असी स्मालेस्ट नंबर बनाना है। हाँ जी हुण असी 3 और 7 नूं देखना है 3 और 7 विचों किहड़ा जो है स्मालर है वह है 3 तो 3 जो है पहले आएगा तो 7 जो कि लार्जेस्ट डिजिट है यानी कि सब तो वड्डा डिजिट है वह सब तो अखीर दे विच लिखा जाएगा। तो साडा जो स्मालेस्ट नंबर आया है 237 डिजिट्स नू यूज़ करके वो आया है 2237 या फिर कह सकते हैं 2237। हाँ जी ग्रेटेस्ट नंबर बनाने वास्ते असी की करांगे देखो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने वास्ते असी करते की होंगे सी लैफ्ट साइड ते ग्रेटेस्ट डिजिट तो स्टार्ट करते होंगे सी। हुण 237 दे विचों ग्रेटेस्ट डिजिट केड़ा है 7 है तो 7 नू असी लिखांगे। हुण ग्रेटेस्ट नंबर बनाने वास्ते जब असी ए वाली कंडीशन यूज़ करनी है यूजिंग एनी वन डिजिट ट्वाइस भी किसी एक डिजिट नू दो वारी लिख सकते हाँ तो असी इसी डिजिट नू जिहड़ा कि इन्हां तिन्हां दे विचों सब तो वड्डा है ग्रेटेस्ट है यानी कि 7 इसी नू जो है असी ट्वाइस यानी कि दो वारी लिखांगे। एक वारी हो गया है 7 फिर तो एक वारी जो है असी लिखांगे। असी इदा क्यों कर रहे हैं क्योंकि असी जो है 4 डिजिट नंबर बनाना है 4 डिजिट नंबर जो है बनाना है। अगर असी तिना का यूज़ करिए तो सिर्फ 3 डिजिट नंबर बनेगा सानू 4 डिजिट नंबर बनाना है 4 डिजिट नंबर। हाँ जी 7 हो गया है हूँ 3 और 2 के विचों केड़ा नंबर ग्रेटर है यानी कि वड्डा है वह है 3 तो लास्ट दे विच जो है 2 आएगा। ठीक है तो ग्रेटेस्ट नंबर केड़ा हो गया है की होया है ग्रेटेस्ट नंबर वह है 7732 यानी कि 7732 भी कह सकते हैं। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन ते आते हैं जी इस दे विच थोड़ा जिहा ध्यान नाल करना है क्योंकि इत्थे 0 आ रहा है मिसटेक होने के चांसिज हैं। बच्चे एक्सट्रीम लैफ्ट साइड ते 0 तो स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन एक्सट्रीम लैफ्ट साइड ते 0 काउंट नहीं होएगा मैं पहला भी दस चुका हाँ। हाँ जी स्मालेस्ट नंबर बनाते हुए 0 तो स्टार्ट नहीं करना है 0 नूं असी विचकार लिख सकते हैं। हाँ जी 0 तो स्टार्ट करना नहीं है तो फिर 5 और 3 दे विचों स्मालर केड़ा है वह है 3। हुण असी 0 का यूज़ कर सकते हाँ देखो 0 जो है इन्हां तिन्हां दे विचों वह स्मालेस्ट है तो असी स्मालेस्ट डिजिट का रेपीटेशन करवाना है उसनों जो है ट्वाइस लिखना है दो वारी लिखना है तो स्मालेस्ट डिजिट है 0 इसनों हुण असी एक बारी लिख लिया है दूजी वारी फिर लिखांगे 0। हाँ जी हुण बच्चा की है वह है 5 ए है साड़ा स्मालेस्ट नंबर 3005। ग्रेटेस्ट नंबर वास्ते असी की करांगे जो ग्रेटेस्ट डिजिट है 5 तो असी स्टार्ट करांगे तो जो ग्रेटेस्ट डिजिट 5 है उसनों असी ट्वाइस यानी कि दो वारी लिखना है एक वारी होर लिखांगे 5 और 5 फिर इस तो बाद केड़ा है देखो 0 और 3 है इन्हां दे विचों अगर कंपेरिजन करिए तो जो 3 है वह जो है ग्रेटर है। हाँ जी तो लास्ट 0 इट मीनस कि जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है वह है 5530 या फिर कह सकते हैं 5530। हाँ जी सी पार्ट है जी 230 का यूज़ करना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने वास्ते तो ग्रेटेस्ट वास्ते देखो 230 दे विचों 3 जो है वो जो 3 है वो ग्रेटेस्ट है। ठीक है तो हुण असी ग्रेटेस्ट डिजिट नूं ही रिपीट करवाना हुंदा है यानी कि दो वारी लिखना है तो 3 जो है 2 टाइम्स आ गया। हुण 2 और 0 नूं देखिए तो जो 2 है वो जो है ग्रेटर है 0 तो 2 जो है पहला तो 0 जो है बाद दे विच। हाँ जी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है साढ़े को आया है 3320 या फिर 3320 असी इन्हों का यूज़ किया है 230 का। हाँ जी स्मालेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने वास्ते असी की करांगे देखो 0 आ गया है 0 तो असी स्टार्ट नहीं करना है लैफ्ट साइड ते 0 नहीं लिख सकते हाँ। हाँ जी 0 लिख नहीं सकते फिर 2 और 3 रह गए हैं तो 2 और 3 का अगर कंपेरिजन करते हैं तो 2 जो है वो लैस है इट मीनस जो 2 है उस तो असी शुरू करांगे। हुण इन्हां तिन्हां दा अगर कंपेरिजन करिए 0 जो है वो स्मालेस्ट है हुण असी 0 लिख सकते हाँ तो असी स्मालेस्ट डिजिट का ही रेपीटेशन करवाना हुंदा है यानी कि ट्वाइस लिखना है उसनों तो 0 जो है वो इन्हां तिन्हां दे विचों स्मालेस्ट है तो स्मालेस्ट है तो 0 नूं हुण असी जो है ट्वाइस लिखांगे दो वारी।
हाँ जी, हुण रह की गया है, 3 रह गया है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर साड़ा आया है 3320, तो स्मालेस्ट 4 डिजिट नंबर साड़ा आया है 2003। हाँ जी, डी पार्ट है 1, 3, 4, इन्हों का यूज़ करना है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर वास्ते असी जो है, देखो ग्रेटेस्ट डिजिट केड़ा है, 1, 3, 4 दे विचों 4 है, तो ट्वाइस यूज़ करना है, 2 बार यूज़ करना है। इट मीनस एक बारी हो गया है 4, एक बारी होर असी लिखांगे। फिर 1 और 3 है, 1 और 3 दे विचों 3 जो है वो ग्रेटर है, तो वो पहले लिखा जाएगा फिर 1। ठीक है, स्मालेस्ट 4 डिजिट नंबर वास्ते, हाँ जी 1, 3, 4 दे विचों 1 जो है वो स्मालेस्ट है। ठीक है, तो असी ट्वाइस यूज़ करना है, एक बारी होर यूज़ करांगे 1 नूं। हुण रह गया है 3 और 4, 3 और 4 दे विचों 3 जो है वो स्मालर है, तो 4 जो है लास्ट दे विच। ठीक है जी, हाँ जी 2, 5, 8 इहदे इन्हां नूं यूज़ करके असी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है बनाना है। तो 2, 5, 8 दे विचों जो है, जो 8 है वो जो है ग्रेटेस्ट है। हुण इसनों असी जो है 2 वारी जो है लिखना है। ठीक है, ट्वाइस यूज़ कर लिया है, फिर असी यूज़ करांगे 5 दा, तो लास्ट दे विच जो है 2 दा यूज़ करांगे। हुण स्मालेस्ट 4 डिजिट नंबर वास्ते, जो स्मालेस्ट डिजिट है उस तो स्टार्ट करना है, यानी कि 2 तो स्टार्ट करांगे। ट्वाइस लिखना है, यानी कि 2 वारी लिखना है 2 नूं। फिर असी 5 और 8 दे विचों स्मालेस्ट देखना है, तो 5 जो है स्मालर है, लास्ट दे विच जो है असी लिखांगे 8। 1, 2, 3 इन्हों का यूज़ करके जो है असी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है बनाना है। हाँ जी, 1, 2, 3 दे विचों 3 जो है वो ग्रेटेस्ट डिजिट है, तो 3 नूं जो है असी ट्वाइस लिखांगे, यानी कि 2 वारी लिखांगे। तो इस तो बाद असी 2 और 1 का कंपेरिजन करना है, तो 2 जो है पहले लिखा जाएगा क्योंकि वड्डा है उस तो 1 तो। हाँ जी, 1 जो है लास्ट दे विच। ठीक है, स्मालेस्ट 4 डिजिट नंबर वास्ते असी जो है, देखो 1, 2, 3 दे विचों 1 जो है वो स्मालेस्ट डिजिट है, तो 1 नूं जो है असी 1 नूं असी जो है 2 टाइम्स लिखांगे क्योंकि असी जो है ट्वाइस यूज करना है। हाँ जी, फिर साढ़े को रह गया है 2 और 3। हाँ जी, स्मालेस्ट वास्ते असी स्मालर देखना है, तो 2 जो है वो स्मालर है। फिर इस तो बाद असी लिखना है जी 3। आई होप कि तुहानू ये क्वेश्चन समझ आ गया होना है।